नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजेएम अस्पताल में। आज यहाँ पर डीसी अपने हाथों से पीएसए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये प्लांट प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत यहाँ पर अस्पताल में लगाया गया है। साथ ही आपको बता दूँ कि राज्य भर से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सहयोग के साथ आज यहाँ पर राज्य भर में अलग अलग जिलों में पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए, जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हमारे जिले में पीएम केयर से 3 पीएसए प्लांट बनाए गए हैं, जिससे 2 पीएसए प्लांट इंजीनियर में है, जिसकी कैपेसिटी 600 लीटर पर मिनट है। एवं दूसरा पीएसए घाटशिला सब रीजनल हॉस्पिटल में, इसकी कैपेसिटी 250 लीटर पर मिनट की है। इन दोनों पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया गया। लगभग इस पूरे पीएसए प्लांट से एमजीएम का है, इसके 9 ऑक्सीजन बेड जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और घाटशिला का जो 250 एलपीएम का जो प्लांट है, उससे 50 बेड कनेक्ट हो सकते हैं। या अगर हाई पेशेंट्स अगर आए, हाई फ्लो वाले तो मेरे 25 पेशेंट्स को इमीडिएटली जो है वहाँ से चालू कर सकते हैं। इसके अलावा एमजीएम में हम लोगों के पास में एनएमओ भी उपलब्ध है, जिससे 300 बेड हम लोग ऑलरेडी इसको हम लोग ऑक्सीजन जो है दे सकते हैं। तो लगभग अब हम लोगों के पास में यहाँ जिले में 450 बेड तक को एक बार में देने की कैपेसिटी जनरेट हो गई है। कुछ ऑक्सीजन पाइपलाइन जो है हम लोग वहाँ पर और इन्हांस करने के काम कर रहे हैं, जिसका इमीडिएटली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 20 तारीख के पहले तक और जो ऑक्सीजन पाइपलाइन जो डिफरेंट वार्ड्स में इन्हांस हो जाए। साथ ही साथ कल एक पीएसए प्लांट जो है, जो सदर हॉस्पिटल में 1000 एलपीएम का कैपेसिटी का, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा 11 बजे। इस प्रकार से हमने जिले में 3 पीएसए प्लांट जो है वो पीएम केयर से, केवल 1 पीएसए प्लांट जो है वो गवर्नमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल इंडिया के फंड से 165 लीटर का ओजी 15 बनाया जा रहा है, जो कि 15 अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन पाइपलाइनिंग जो है द्वारा किया जाएगा। तो जैसा कि हमने जाना कि आज पूर्वी सिंहभूम जिले में करीब 3 पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया जाना है। जमशेदपुर सहित एक अन्य जगह पर आज 2 पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया गया ऑनलाइन तरीके से। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने खुद ही पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया तमाम जगहों से जुड़कर। और कल सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री खुद ही ऑनलाइन जुड़कर पीएसए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और ये सभी पीएसए प्लांट पीएम केयर फंड से बनाए जा रहे हैं। और साथ ही डीसी ने यहाँ 100 बेड के लगे अस्पताल का भी निरीक्षण किया और साथ ही तारीफ की। और डीसी का कहना है कि यदि इस तरह से ज़रूरत पड़े तो और भी ज़रूरत पड़ने पर कोविड काल के मद्देनज़र एक और 100 बेड के अस्थायी अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।